दोस्तों आप देख रहे हैं हीरो ग्लैमर 125 जो कि BS6 में आ चुकी है। तो BS6 होने पर अब इस बाइक की प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, कितने नए फीचर्स आपको हीरो ग्लैमर 125 BS6 में मिलते हैं, साथ में कितने बदलाव किए हैं हीरो कंपनी ने, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। साथ में मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट करके इसका साउंड भी सुनाऊंगा दोस्तों। तो बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में आप हमारे इस चैनल को बाइको एंड बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये बाइक उपलब्ध है ब्राइट हीरो फैजाबाद रोड बाराबंकी उत्तर प्रदेश, यहां पर आप हीरो की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। और मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, यहां पर आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं किसी भी बाइक के लिए हीरो कंपनी के दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं हीरो ग्लैमर 125 BS6 के बारे में जो कि आपके सामने है दोस्तों। तो फ्रंट से अगर आप इस बाइक को देखेंगे दोस्तों तो इसकी हेडलाइट को कंपनी ने चेंज कर दिया है। पहले यहां पर थोड़ी सी बाहर को ज्यादा निकली थी, लेकिन अब इसको सुडौल बना दिया है जो कि यंगस्टर को या आपको भी देखने में अच्छी लग सकती है। यहां पर दो पायलट हेडलैम्प आपको मिल रहे हैं जो कि स्टार्ट होने पर जलेंगे दोस्तों। यहां पर 3D लोगो मिल रहा है, नई हेडलाइट आपको मिल रही है, साथ में ये स्काइप विंड स्क्रीन भी चेंज कर दी गई है, मडगार्ड इसका चेंज कर दिया गया है। तो फ्रंट से इसमें जो बदलाव हुआ है उससे ये बाइक पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी है देखने में। अब हम साइड से बात करते हैं दोस्तों। साइड व्यू आप देख सकते हैं हीरो ग्लैमर 125 BS6 का। आप देखें और बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लग रही है दोस्तों। और दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये काउल चेंज हो चुके हैं, पहले थोड़ा सा लंबे थे, इनको छोटा किया गया है, थोड़ा सा मस्कुलर किया गया है। और पहले इसमें ग्लैमर 3D में लिखा था, लेकिन अब 3D फॉन्ट में इसमें स्टिकर से लिखा हुआ है, ये स्टिकर तो पहले से ही थे दोस्तों। साथ में यहाँ पर FI लिखा हुआ है, प्रोग्रामेड FI, और ये बाइक आपको i3S टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हीरो लिखा हुआ है, ग्रैब रेल, इसके जो सीट काउल हैं ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और इसकी जो बैक लाइट है वो भी चेंज हो चुकी है जो कि एच शेप में है, काफ़ी अच्छी लगती है। मैं थोड़ा इसको आपको ऑन करके दिखाना चाहूँगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बाइक की बैक लाइट को, और आप लोग बताएं कि इसकी बैक लाइट का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और अब मैं आपको लेफ्ट साइड से दिखाना चाहूँगा इस बाइक को, आप देख सकते हैं और बताएं आप लोग कि आपको ये बाइक कैसी लग रही है हीरो ग्लैमर 125 BS6 मॉडल में। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि चेंज क्या हुआ। मैंने आपको फ्रंट से बता दिया कि इसकी हेडलाइट चेंज है, इसका पेट्रोल टैंक काउल और इसका सीट काउल, ऊपर का मॉडल डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है पहले से। साथ में इसमें आपको नए आकर्षक एलॉय व्हील मिलते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलते हैं, IBS टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलती है, डिस्क ब्रेक में भी ये बाइक आपको मिल जाएगी, पूरा इंजन चेंज कर दिया गया है। तो कहने का मेरे मतलब है साइलेंसर भी चेंज है, तो कहने को तो ये ग्लैमर है लेकिन इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। पहले ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती थी, लेकिन अभी भी ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रही है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको इसकी स्विच दिखाना चाहूँगा, ये स्विच पहले से ही आपको मिल रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर ये स्विच भी वैसे ही है, इसमें i3S आपको मिल जाता है। मीटर इसका चेंज कर दिया गया है, फंक्शन थोड़े से अब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, यहाँ पर आप न्यूट्रल की लाइट है, यहाँ पर i3S की है। मैं स्विच ऑन करके दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर i3S की लाइट है, माल फंक्शन की लाइट है, यहाँ पर ओडोमीटर है, और सबसे बड़ी बात ये बाइक आपको माइलेज बताती है। यहाँ पर लिखा हुआ है जितना आप चलाएंगे, जितनी स्पीड में रहेंगे उतना माइलेज ये आपको बताती रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी बाइक कितने की माइलेज दे रही है, जो कि पहले से भी ये इस बाइक में ये सिस्टम था जो कि मुझे काफ़ी व्यक्तिगत अच्छा लगा। तो इसमें मीटर भी चेंज कर दिया गया। तो अगर हम बदलाव की बात करें तो इस बाइक को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, सिर्फ इसका नाम ग्लैमर है। और अब मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट करके इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन, साथ में इसके साउंड को सुनाना चाहूँगा दोस्तों। और यहाँ से मैं इसको स्विच ऑन कर लेता हूँ। इसका इंजन वही है जो आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सुपर स्प्लेंडर में यही इंजन लगा है दोस्तों। आप यहाँ पर देख लें और आप यहाँ पर देखेंगे तो सुपर इसमें ग्लैमर में भी वही इंजन लगा हुआ है, और वही दोनों में साइलेंसर भी लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे साइलेंसर का डिजाइन, तो साइलेंसर एक ही है, आप यहाँ पर देखेंगे ये ग्लैमर और ये यहाँ पर सुपर का साइलेंसर है दोस्तों। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा, आप साउंड सुन सकते हैं, बिल्कुल नया इंजन है और साउंड बिल्कुल सही है। साइलेंसर से देखेंगे और मैं इसको छोड़ देता हूँ, और अब आप देखें कि कैसा साउंड है, इंजन में कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है।
और एक बार मैं स्टार्ट करके इसकी हेडलाइट का डिजाइन दिखाना चाहूंगा। आप यहां पर देखेंगे हेडलाइट इसकी ऑन है, साथ में दोनों पायलट लैंप जल रहे हैं, जिससे ये बाइक पहले से ज़्यादा आकर्षक लग रही है दोस्तों। और यहां पर मैं आपको इंजन के बारे में बताना चाहूंगा। यहां पर आपको ऑयल फिल्टर मिलता है, यहां पर इंजन ऑयल डालने के लिए है, यहां पर सेंसर है और सभी सेंसर इसमें भी आपको मिलते हैं। नया साइलेंसर लगाया गया है जिसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर यहां पर लगा है और ऑक्सीजन सेंसर दोस्तों वहां पर लगा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो कहने का मतलब इसमें आपको सारी चीज़ें बदली हुई मिल रही हैं। और अगर हम इसमें कुछ स्पेक्स की बात करें दोस्तों, तो आप यहां पर देखेंगे 8018 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है और इसमें आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल रही है IBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। और पीछे आप देखेंगे तो 10818 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, फाइबर की आपको चेन कवर मिल रही है, चेन आपको मोटी मिल रही है और मतलब सारी चीज़ें इसमें आपको मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आपको साइड स्टैंड का सेंसर भी मिल रहा है दोस्तों, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ लिखी हुई है और इसमें भी आपको 5 गियर मिलते हैं। मैं आपको गियर दिखाना चाहूँगा, ये गियर इसके लग चुके हैं, इसमें भी आपको 5 गियर मिलते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों बाइकों में इंजन आपको सेम मिल रहा है। और दोस्तों इसमें 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 10.73 HP की पावर मिलती है 7500 RPM पर और 10.6 Nm की टॉर्क मिलती है 6000 RPM पर। इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं, बोर है 52.4 mm और स्ट्रोक है 57.8 mm दोस्तों। और अगर हम और इसकी जो परफॉर्मेंस बताई जा रही है, 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये बाइक 7.5 सेकंड में पकड़ती है। आगे और पीछे इसमें आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, टायर भी मैंने आपको बता दिए हैं। आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है दोस्तों। डायमेंशन की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, इसकी सीट हाइट है 793 mm, इसका व्हील बेस है 1273 mm, वजन है इस बाइक का 122 किलोग्राम और पेट्रोल टैंक इसमें 10 लीटर का लगाया गया है दोस्तों। तो आप ये जान लें कि इसमें सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और ये बाइक पहले से ज़्यादा आकर्षक भी दिख रही है और चलने में भी मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहेगी दोस्तों। तो आपको ये बाइक कैसी लगी, इसका साउंड कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं आपको जैसे इसकी प्राइस बताता हूँ, मैं शोरूम से ही पूछ के आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि ब्राइट हीरो पर इसकी प्राइस क्या है और उनके हिसाब से कंपनी ने उनको कितनी माइलेज बताई है, वो सारी चीज़ें आपको शोरूम के जो एम्प्लॉई हैं उनसे मैं बात करवा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों किशोर भैया आ चुके हैं और ये बताएंगे आपको कि इसकी प्राइस क्या है, माइलेज क्या है ग्लैमर 125 BS6 की। तो बताइए भैया। नमस्कार, मेरा नाम किशोर है, ब्राइट में आपका स्वागत करता हूँ। ये है हमारी ग्लैमर 125 BS6, जिसकी एक शोरूम कीमत 70,060 रुपये एक शोरूम प्राइस है। और भी काफ़ी बेहतर ऑफर है, उसके लिए हमारे शोरूम विजिट करिए, बाराबंकी फैजाबाद रोड हाईवे बाराबंकी। और माइलेज क्या मिल जाएगी? माइलेज सर इसमें आपको ये मान चलिए 125 सीसी गाड़ी है, आपको इसमें 60 से 65 के बीच में माइलेज मिलेगा सही चलाने पर। जी जी बिल्कुल। तो अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई आता है तो आप उनको जरूर कुछ ना कुछ चैनल के माध्यम से कोई आता है तो उसको हम बेहतर प्राइस देंगे, जो भी हमसे डिस्काउंट हो सकेगा वो हम डिस्काउंट करेंगे। जी जी जी। तो दोस्तों आपने सुन लिया, आप ब्राइट हीरो पर विजिट करिए और उसके बाद आपको जो भी ऑफर होगा वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आपको ये हीरो ग्लैमर 125 BS6 फ्यूल इंजेक्शन i3S टेक्नोलॉजी के साथ कैसी लगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाया है, वो चीज़ आप जरूर देख लें। भैया इसकी सीट उठाइए ज़रा, और आप दोस्तों इसकी सीट देख सकते हैं, इसके नीचे इतना स्पेस आपको मिल रहा है दोस्तों। तो आप इस बाइक के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।